ई कॉमर्स की इम्पोर्टेंस क्या है हिंदी में, वो भी 2020 में, इस पॉइंट की क्लियर आइडिया आपको इस वीडियो पे मिलेगी। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। इस वीडियो के एंड तक आपको ई कॉमर्स की बेसिक, सिंपल लेकिन बेसिक, बिगर कोई सोफिस्टिकेशन की आपको आइडिया मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, बने रहना, वीडियो को एंड तक देखना, बीच में स्टॉप नहीं दबाना। अगर आपको क्लियर, सिंपल, बेसिक, इफेक्टिव आइडिया लेनी है इस वीडियो से, तो फ्रेंड्स मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल टेक इंडिया A1 पे, जहाँ पे हम ऑनलाइन सेलिंग, अमेजोन मार्केट प्लेस सेलिंग, इवन व्हाट्सएप, फेसबुक मार्केट प्लेस पे कैसे सेलिंग करने का, उसके टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स, डेमोज, न्यूज़ अपडेट्स, पॉलिसी चेंजेस, इवन ई कॉमर्स और पर्सनल कुरियर के लिए तो टिप्स, डेमोस, ट्यूटोरियल्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे। इस वीडियो के बाद भी आप देख लेना। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा देना, लाल दबाने पे वो सफ़ेद हो जाएगा, और बाजू में बेल नोटिफिकेशंस को ऑलवेज ऑन एनेबल कर देना, ताकि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इस चैनल से आप मिस ना कर सको। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर फ्रेंड्स इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो नीचे लाइक बटन दबा देना, ताकि आपके एक लाइक से दूसरों को फैलने में हेल्प हो सकती है, और आपके जो लाइक सिंबल है या थम्स अप बटन है उसको दबाने से वो नीला हो जाएगा। फ्रेंड्स, मेरा टारगेट है कि कम से कम 300 लाइक्स इस वीडियो को मिले। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ई कॉमर्स की इम्पोर्टेंस हिंदी में 2020 में बेसिक सिंपल क्या है, मेन जो चार पॉइंट्स है, आपको एक बोनस टिप भी मिलेगी और एक सरप्राइज क्वेश्चन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, कि सोशल मीडिया पे ऑलमोस्ट सभी लोग, जो लोग को इंटरनेट है, मोबाइल है, वो लोग सोशल मीडिया पे हैं, उनको सोशल मीडिया पे रिकमेंडेशंस मिलती है, अपने दोस्तों की रिकमेंडेशंस मिलती है, दूसरों के रिव्यूज़ मिलते हैं सोशल मीडिया से, उनको फोटोज़, डिस्क्रिप्शन मिलते हैं, उनको आइडिया मिलती है प्रोडक्ट्स की या इवन सर्विसेज की। तो वो लोग सोशल मीडिया और इंटरनेट, गूगल से लोगों को पता पड़ता है कि कौन सी चीज़ मार्केट में कौन सी अच्छी है, कौन सी रिलायबल है, कौन सी प्राइस कैसी है, तो वो सब डिटेल्स उनको सोशल मीडिया से मिलते हैं। इसके लिए वो लोग प्रीफर करते हैं, जो भी खरीदने का उनका डिसीजन होता है, वो ऑनलाइन, इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया के जो इन्फॉर्मेशन उनको मिलता है उसके बेसिस पे होता है। पहले क्या होता था, वर्ड ऑफ माउथ, अपने दोस्तों से पूछ लिया या किसे फ़ोन करके पूछ लिया। अभी फ़ोन नहीं करेंगे, अभी वो गूगल पे देखेंगे, फेसबुक पे देखेंगे, उनको आइडिया मिलेगी, तभी वो जाके उस पर डिसाइड करेंगे खरीदने का। नेक्स्ट पॉइंट आती है कि लोग ना ही लोगों के पास अभी क्रेडिट कार्ड बहुत है, लेकिन इवन ऑनलाइन वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, उनको इजी पड़ता है कि क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन ही कर ले। तो एक लोगों को ट्रेंड हो गया, काफ़ी ऑलमोस्ट 6-7 सालों से आप नोटिस करोगे कि लोगों को क्रेडिट कार्ड यूज़ करना होता है, तो वो लोग ऑनलाइन ही क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। तो एक तरह की आदत हो गई, पहले आदत नहीं थी क्रेडिट कार्ड यूज़ करना, लेकिन अभी सिक्योरिटी बढ़ गई है, कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, OTP, SMS, तो उनको भरोसा हो गया, उनका एक्सपीरियंस हो गया, उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे भी एक्सपीरियंस हो गया कि क्रेडिट कार्ड से ना मामला जल्दी काम हो जाता है, लेकिन सेफ्टी भी काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब उन लोगों को एक ही फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है कि अपना पासवर्ड डाल दिया, क्रेडिट कार्ड डाल दिया, OTP भी आएगा मोबाइल पे, तभी जाके कन्फर्म होएगा, या कॉल आएगा, या टू फैक्टर हो जाएगा। तो वो लोग मल्टी लेयर सिक्योरिटी आजकल हो गई है, तो लोगों को विश्वास थोड़ा बढ़ गया है, ज़्यादा डिपेंड हो गया पहले से, हालांकि 100% नहीं है, हैकिंग भी होती है, लेकिन पहले से काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी बेटर है, इसके लोग डिपेंड कर सकते हैं, लोग प्रीफर करते हैं कि उनको सहूलियत भी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं कि जो लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है, वो लोगों को आना जाना नहीं पड़ता है। एक तो क्या, कोई ख़रीदने के लिए आदमी को टाइम निकालना पड़ता है, गाड़ी को यूज़ करना पड़ता है, पेट्रोल यूज़ करना पड़ता है, फिर टाइम निकाल पहुँचना पड़ता है, वहाँ पर लाइन खड़ा होने का, फिर वहाँ पे रुकने का, फिर कैश देने का, कैश को लेना देना पड़ता है, कैश को आके संभालना पड़ता है, फिर आपके वापस गाड़ी से, ट्रैवल से वापस आना पड़ता है और सामान लेके रखना पड़ता है। लेकिन ई कॉमर्स का इम्पोर्टेंस ये है कि लोगों को जो अपने पॉइंट नंबर नेक्स्ट है कि डिस्क्रिप्शन, फ़ोटोज़, प्राइसिंग, कंपेरिजन, वो सब उन लोगों को ऑनलाइन मिल जाती है, तो उन लोगों को जब इन सब का जो प्रॉब्लम से कम हो जाता है, उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ता, उनका टाइम बच जाता है, उनको कैश नहीं करना पड़ता है, ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है, कि ये सब फ़ायदे उनको ऑनलाइन मिल जाते हैं। तो उनको फ़ोटोज़ और डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड होके, अच्छा फ़ोटो डिस्क्रिप्शन होएगा, रिलायबल सेलर होएगा, उनको वही प्रोडक्ट मिलेगा जैसे फ़ोटो है। तो पॉइंट इंपॉर्टेंस ये है कि जो सेलर हो आप, अगर आपको फ़ोटोज़, डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह से डालने हैं, इतना डालने कि लोग आदमी आपके रियल दुकान में भी अगर आए
तो उनको उतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी जितना कि फोटो डिस्क्रिप्शन। अगर आदमी को क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलता है और जैसा प्रोडक्ट आप डालोगे वैसा मिलेगा, तो वो लोग ज़्यादा डिपेंड कर सकेंगे। वो लोग आपसे एक बार नहीं रिपीटेड भी बाइंग करेंगे। अगर आपका रिव्यूज़ भी फिर बढ़ जाएगा और आपका रेटिंग भी बढ़ जाएगा तो वो ऑनलाइन। अभी बोनस टिप में कह रहा था ये है कि आपको रिटर्न रेट ऑनलाइन कम करना है, क्योंकि ऑनलाइन में रिटर्न रेट एक प्रॉब्लम है। तो रिटर्न रेट कम करने के लिए आपका एक सिंपल टिप है, आप जैसे देखेगा वैसे बिकेगा, कि जैसा वो बायर को दिखेगा आप वैसा ही उसको मिलना चाहिए, और अच्छी तरह से पैकिंग में डैमेज नहीं होना चाहिए, सही एड्रेस होना चाहिए, फोटोज डिस्क्रिप्शन जैसे मैंने कहा सब क्लियर होना चाहिए, सब इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट होना चाहिए। 100% इन्फॉर्मेशन दोगे तो कस्टमर को मिलेगा, हाँ मेरे को जो भी उसका क्वेश्चन होएगा उसको सब प्रोडक्ट पेज पे मिल जाएगा, तो वो खाची से बाय करेगा। और अगर आपका रिव्यू रेटिंग भी बढ़ गया है धीरे धीरे, तो और भी आगे आपको रिपीटेड सेल आ सकेंगे, और उसको जैसा प्रोडक्ट आपको फोटो दिखा के एक्जैक्ट वो बिकेगा तो वो खरीदने का उसको पक्का मिलेगा, तो देखेगा उसको वही मिल गया। उसको कॉन्टैक्ट भी आप कर लो ऑर्डर निकालने के पहले कि ये प्रोडक्ट है, आपको कोई क्वेश्चन है कि आपका एड्रेस सही है क्या नहीं, तो उसके माइंड क्लियर हो जाएगा, उसको अच्छा भी लगेगा कि सेलर ने मुझसे बात किया है, तो उसको पहले से ही डाउट क्लियर हो जाएगा, तो आने पे उसको डाउट कम रहेगा और रिटर्न रेट कम हो जाएगा, रखने का चांस बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे सिंपल इंक्रीजिंग बोनस टिप। अभी आप पे आ जाते हैं आपको क्या शेयर करना है अपने कम्युनिटी के साथ, ताकि हम एक दूसरे के सीख के अपने ई कॉमर्स सेल को और स्मूथ और विदाउट एनी डाउट और ईजी कर सके। फ्रेंड्स दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें, उनको भी सीखने को मिलता है कि वो भी कुछ सीख के खुश हो जाए। थैंक्स अ लॉट ये वीडियो देखने के। फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कुरियर जो होती है उस पर हमको डिपेंड